दोस्तों, जब हम किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन वगैरह करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमें अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना पड़ता है, या बहुत से सरकारी कामों के लिए हमें अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना पड़ता है, और उस पे साथ ही साथ उस फोटो पे हमारा नाम और हमारी एज वगैरह और अदर इन्फॉर्मेशन भी उस पे होना अब अनिवार्य है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने पासपोर्ट साइज फोटो या किसी भी साइज के फोटो पे नाम वगैरह या अपनी अदर इन्फॉर्मेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। ये बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटर एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो पे या किसी भी फोटो पे आप नाम वगैरह या जो आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों जो अपनी गैलरी से एक फोटो चूज करता हूँ, ये मेरा पासपोर्ट साइज फोटो है, इसके ऊपर मैं नाम वगैरह अपनी अदर इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके डायमेंशन देखना है, मतलब इसके विथ और हाइट कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी जो विथ और हाइट है ये 1264 और 1640, ये डायमेंशन हमें याद रखना है, 1264 और 1640। उसके बाद में मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसे आप ओपन कीजिए। इसका नाम है पिक्सल लैब। तो जब आप इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसका साइज है वो साइज हम अपने जो पासपोर्ट साइज फोटो है उस साइज के हिसाब से इसका साइज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि राइट साइड में जो ये जो थ्री डॉट्स है, इस थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इमेज साइज, इस इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे इसका डायमेंशन हमें चेंज कर देना है, 1264 और यहाँ पे था 1640। इस तरह से हमने यहाँ पे डायमेंशन सेट कर दिया है, और आप देख सकते हो कि ये जो इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरे पासपोर्ट साइज फोटो के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक फ्रॉम गैलरी ये चूज करके इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से फ्रॉम द गैलरी से आप इस थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ से हमारी गैलरी के अंदर जहाँ पे हमारा वो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको हमको चूज करना है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से बराबर फोटो को क्रॉप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो फोटो है वो प्रॉपरली क्रॉप हो गया है, और ये नीचे जो टिक का साइन है इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आपको ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है फोटो में, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए आप प्रॉपरली इस फोटो को इस बैकग्राउंड के हिसाब से पूरा सेट कर लीजिए, मैच कर लीजिए। यहाँ आप देखोगे कि पूरा जो बैकग्राउंड है वो हाइड हो गया है, और पूरा इस पासपोर्ट साइज फोटो के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें सेट हो चुकी है। ओके, अब बारी है दोस्तों कि हमें को इसमें हमारी जो अदर इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह किस तरह का लिखना है। तो आप इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शेप्स जो है इस शेप्स को चूज करना है। तो शेप्स को चूज करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस तरह का स्क्वायर शेप बॉक्स आ जाएगा। तो इस स्क्वायर शेप बॉक्स को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कीजिए, इसके कॉर्नर के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर बराबर ड्रैग करके इसे सेट कीजिए, और यहाँ पर डाउन साइड के अंदर इस तरह से इसको यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद में डाउन साइड में जो टिक का ऑप्शन है, टिक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे सामने जो है फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हमको नाम और हमारी अदर इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए डाउन साइड के अंदर जो ये ए का ऑप्शन दिख रहा है, ए, इस ए के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये एडिट के ऊपर टैप करना है, और यहाँ पे जो है जो भी हमको नाम लिखना है हम वहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ तौकीर खान। तरह से हमने नाम लिख दिया, और डाउन साइड के अंदर हम चाहे तो जो अदर इन्फॉर्मेशन हमको लिखना है वो हम लिख सकते हैं। कि जैसा अगर मुझे लिखना है कि एज,
अगर मुझे यहाँ पे लिखना है एज, तो उसके लिए दोस्तों मैं एज भी यहाँ पे लिख देता हूँ 33 इयर्स। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या उस फोटो के अंदर लिखना चाहते हो। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो नाम वगैरह है, एज वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब इसको सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ हमको लेके आने का है। अब देखोगे कि जो फॉन्ट का कलर था वो व्हाइट था और जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो भी व्हाइट है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तब हमको क्या करना है कि यहाँ कलर के ऑप्शन पे आना है, लेफ्ट साइड में ये आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं फॉन्ट के लिए वो चूज कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैक कलर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हो रेड कलर तो रेड कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर में आप लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही रहने देता हूँ और यहाँ पे इसके बाद में टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरह से आपको टिक यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में दोस्तों यहाँ पे जब आप लेफ्ट साइड इसको ऑप्शन को ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल आएगा, स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरह से बढ़िया दिखाई दे रहा है। सारी सेटिंग होने के बाद में यहाँ पे इस फोटो पे एक बार इस तरह से क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज फोटो के बराबर हमारा नाम वगैरह और एज वगैरह यहाँ पे पूरी लिखी आ गई है। अब आपको इसको सेव करना है तो ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लस आइकन के बाजू में, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लीजिए। तो ये जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम गैलरी के अंदर जाते हैं। गैलरी के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि पिक्सल लैब के अंदर ये ऑप्शंस, ये जो फोटो है ये आ चुका है। आप देखोगे कि ये पिक्सल लैब के अंदर ये हमारी गैलरी के अंदर जो हमारा फोटो है वो आ चुका है नाम और एज के साथ में। इसके डायमेंशन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हम डिटेल में जाके हम देखेंगे तो 1264x1640। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फोटो पे आप अपना नाम वगैरह, एज वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे आप उस पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।